हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैंडलैंड। तो गाइस, सैंडलैंड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस एपिसोड में हम कुछ धांसू करेंगे, मतलब हम हमारे ब्रिज को डेकोरेट करेंगे, जो ब्रिज में अब आपको दिखाने वाला हूँ। कागा ये रहा भाई सब ब्रिज, वो ब्रिज क्या मस्त दिख रहा है यार। इसे हम पूरे इस तरीके से ठीक करेंगे और इस वीडियो में हम बहुत मजे करेंगे। तो ठीक है, मैं सबसे पहले, मुझे कुछ टॉर्चेस चाहिए होंगे, तो हम टॉर्चेस लेने के लिए जाते हैं। हमें कोल चाहिए होगा, मेरे पास कुछ कोल पड़ा होगा, प्लीज़ कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे केव है, यहाँ से कुछ कोल ले लूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ओके, तो रात होने वाली लगता है, रात होने वाली है अभी। अरे यार, इस रात को भी अभी होना था। ठीक है, तो ये अपना ब्रिज है कुछ इस तरीके से, और इसके आर पार भी हम जा नहीं सकते। देखो गाइस, सफाई करने का कोई भी खतरा ना चाहिए। और गाइस, इसके आजू में हम हमारा कुछ भी बिल्ड करेंगे यहाँ पे। वैसे भी रात को रही है, शाम होने वाली है, सूरज ढल रहा है। ठीक है, तो पहले सो के मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है गाइस, मैं अब उठ चुका हूँ। तो देखते हैं मेरे चेस्ट में कितना कोल है, क्या है। ब्लॉक ऑफ फूल है मुझे भाई, मेरा कोल का पे मुझे बस था कुछ अच्छा। तो 11 कोल यहाँ पे है, तो इन 11 से 11 कोलों की मैं बनाने वाला हूँ अब ये टॉर्चेस। तो ये हमें टॉर्चेस चाहिए और मैं और टॉर्चेस बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वुड भी चाहिए। यहाँ पे वुड की इतनी कमी है ना गाइस, मैं क्या करूँ। यहाँ पे भाई झाड़ ही नहीं है दूर दूर तक, हे भगवान अब क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ही वुड का तो सवाल है, यहाँ से उखाड़ लेते हैं। ये लगा देते भाई, दिक्कत लेने की दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसे यहाँ से ऐसा और यहाँ से लेंगे टॉर्च, ये लगेंगे यहाँ पे, और दिस इज ठीक है। इतने हमारे ब्रिज की तरफ चलते हैं। मैं वो रास्ता इसीलिए बनाऊंगा, इसमें उसके पीछे का कारण पता हूँ, मैं ब्रिज क्यों बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे अगर वहाँ पे थोड़ा प्लेन है और वहाँ पे इतने फ्लावर नहीं है तो थोड़ी मदद होगी। मतलब यहाँ पे अगर हमें घर बनाने का है तो बार बार हमें फ्लावर हटाना होगा, कहाँ पे भी कुछ बनाने का है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो ऐसा ब्रिज बनाया है। तो ये उसकी माँ का कारण है, हमने ब्रिज का है बनाया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डर्ट लगा देते हैं, यहाँ पे ये एक इसके ऊपर ऐसा एक लो। वाह भाई, क्या किस्मत है मेरी। तो ठीक है, मैं इसे ठीक करके अब सबसे मिलता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ तक ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे तो टॉर्च, और यहाँ पे मैं साइन बोर्ड लगाऊंगा कि हमारा बीच है, और मैं इसके बाद करूँगा ये एक, ये दो, और तीसरे पे समझा, एक दो तीसरे पे ऐसे टॉर्च लगाने के, हमें एक दो और तीसरे पे, 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 ऐसा पूरा कंप्लीट करते करते हमें करना है, मिलना है एक दो और तीसरे पे, एक दो और तीसरे पे, एक दो और तीसरे पे, एक दो और तीस, सॉरी सर ये गलत हो गया, और ये तीसरे पे, एक दो और तीसरे पे, समझ गए गाइस। तो ठीक है, मैं कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ, और इसे भी ठीक करने के बाद, एक दो तीसरे पे,
कट करना ही रहेगा। ठीक है गाइस, मैं आप सब मिलता हूँ बाद में ऐसे कंप्लीट करने के बाद। मॉर्निंग गाइस, और वहाँ पे रात हो गई थी, फिर से मैं फिर से वापस आ गया और ठीक है गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आया था गाइस। ठीक है बाय बाय। पहले इसे इसे अरे मैं तू करेगा लड़की बाजी। सॉरी सॉरी, चल ठीक है। और एक क्राफ्टिंग टेबल में सोचो कि अपने पास ही रखूँ। बाय बाय। तो गाइस मैं यहाँ पे नहीं क्या ये कोबल स्टोन माइन के लिए आया था, और यहाँ पे मुझे कुछ आयरन भी मिल गया है गाइस। ये तो कुछ ज़्यादा ही आयरन लग रहा है, इससे पहले मैंने तो तोड़ भी दिए थे। देखते हैं हमारे पास कितने आयरन हो चुके हैं। अभी 6 आयरन हो चुके हैं गाइस, 6 आयरन। और हमारे पास कोबल स्टोन 26 इज आई थिंक सो इनफ, या 26 इज इनफ। और मैं वो सीढ़िया बनाने के लिए यहाँ पे कोबल स्टोन माइन करने के लिए आया था, मुझे आयरन मिल गया गाइस। मुझे लगता है भाई मैं इस एपिसोड में अपना आयरन आर्मर भी कंप्लीट कर ही दूंगा, क्योंकि वो छोटा मोटा काम होने के बाद मैं आयरन माइनिंग के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मैं काम करने के बाद आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और मेरा सारा काम अब हो चुका है समाप्त। लेकिन यार ये आयरन गोलम के इसी के वजह से तो गाइस इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा। और मैंने मेरा कार्ड फिर से ठीक कर दिया है, अगली वीडियो में हम अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।